subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. YouTube पर Tag TV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए। किसी किस्म का चैलेंजिंग जमाना हो, Tag TV अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता। आपका तावन भी हमें चाहिए। Tag TV को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें, आप इश्तहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। ईद मुबारक। तुझको मेरी ना मुझे तेरी खबर जाएगी, ईद अब के भी दबे पांव गुजर जाएगी। शायद जफर इकबाल ने यह शेर कोरोना पेंडेमिक के हवाले से कहा था कि हमें एक दूसरे की ईद की खबर भी नहीं हो पाएगी, लेकिन ईद हम एक दूसरे तक पहुंचा पा रहे हों इस कोरोना पेंडेमिक के वायरस में या नहीं, लेकिन ईद की खबर इंटरनेट की इस दुनिया में ज़रूर एक दूसरे तक पहुंच रही है। यहाँ कनाडा में भी लॉकडाउन और इमरजेंसी की सूरत हाल में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जनाब जस्टिन ट्रूडो साहब ने भी एक ईद का पैगाम दिया, और उसके साथ साथ इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ टोरंटो ने एक ड्राइव थ्रू ईद मिलन पार्टी की, जिसके तहत लोग अपनी गाड़ियों से गुजर रहे थे, उनको छोटे छोटे गिफ्ट्स दिए गए और यूं ईद मिलन का ये मंज़र भी हुआ। इसके साथ साथ एक और भी अहम बात हुई जो ज़ाहिर है लॉकडाउन के साथ जुड़ी हुई थी, ऑनलाइन खुतबे हुए, और उन ऑनलाइन खुतबों की जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो भी हुई। इन सब की जो एक मुख्तसर रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के ईद मैसेज से लेकर इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ टोरंटो की ड्राइव थ्रू और खुतबों की एक मुख्तसर सी झलक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। टुनाइट मुस्लिम्स इन कनाडा एंड अराउंड द वर्ल्ड विल सेलिब्रेट ईद अल फित्र। ईद अल फित्र मार्क्स द एंड ऑफ रमजान, अ मंथ ऑफ फास्टिंग एंड प्रेयर। It's a time to give thanks and show compassion and generosity to those in need. This year, many of the traditions and celebrations will be carried out at home and online. But despite the challenges of COVID-19, Muslim Canadians have been putting into practice the values at the heart of Islam throughout Ramadan. They've been helping their neighbors by donating food and supplies to support those less fortunate, and our essential workers have been putting in long hours even while fasting. So as Muslim Canadians mark this special day at home, it's an opportunity for all of us to recognize the contributions they have made and continue to make to our country. Our government will always stand with Canada's Muslim communities and celebrate the diversity that makes us who we are. On behalf of our family, Sophie and I wish all those celebrating a joyful Eid al-Fitr, Eid Mubarak. Sure of this ummah, you are the ones that can really promote and propagate this deen to everyone. Bharat mein Eid lockdown ke is zamane mein mukhtalif tarah se manayi ja rahi hai. Log gharon mein choti choti gathering karke namaz bhi pad rahe hain, lekin badi gatherings bhi ho rahi hain. सबसे बड़ी गैदरिंग जो बहुत फैसिनेटिंग है कोरोना वायरस के इस ज़माने में, वो है जामिया मस्जिद के बाज़ारों के आसपास और बाज़ारों के अंदर की गहमा गहमी।
जब मैंने ANI का ये वीडियो देखा तो मुझे लगा कि नॉर्मल रूटीन का ज़माना शायद वापस आ गया है। लोग ईद की शॉपिंग के लिए बाहर निकले हुए हैं और वही गहमा गहमी और वही खवे से खवा चल रहा था। आप इस वीडियो क्लिप में ईद की शॉपिंग की ये सूरत हाल देखिए। अब ANI की ही एक वीडियो मणिपुर नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि वहां पर ईद किस तरह मुसलमानों ने मनाई। वहां पर भी लॉकडाउन के ज़माने में बाज़ारों की रौनक काफ़ी हद तक लौट आई, मगर कुछ लोग वहां के बासी ये राय भी देते हैं कि फिनेंशियल जो क्रंच आ रहा है इस कोरोना पेंडेमिक के ज़माने में, वो ईद की खरीदारियों पर भी मुतासर हो रहा है। We're trying our best to maintain social distancing, but not everybody's listening. Some are listening, but not everyone. So I have to literally tell them, please come with a mask, stand, you know, a little far away from each other. But they do listen to me, but I have to tell them. They don't do it by themselves. So if they could little bit educate themselves, then maybe we can live. I am jobless now. I'm helping my parents because I can't do anything because of lockdown. And not just me, I have so many friends and family members who are stuck, who can't do anything. So yes, it is affecting a lot to us. हमारे इस मस्जिद का जो हफ्ता इंफाल का उसका तो ईद नहीं मनाएंगे। पहले से भी हम लॉकडाउन जब आए तब से पहले ही हमारे जो मस्जिद की जो कमेटी है, इन लोगों ने अच्छे बात करके, मतलब मीटिंग करके, इन लोगों ने बंद कर दिया मस्जिद को। यही सूरत हाल जम्मू कश्मीर में ईद की भी है। पूरी दुनिया में मसाजिद में नमाज पढ़ने की एक तरह से ममानत है, सिवाय तेहरान के और शायद कुछ और जगहों के भी। तेहरान में, ईरान में ये कह दिया गया कि आप मस्जिदों में ईद नमाज़ पढ़ सकते हैं, मक्का में इसकी इजाज़त नहीं। लेकिन पहले मैं जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से आपको आगाह करता हूँ।
आप तक जम्मू कश्मीर की ईद की खबर पहुंचाता हूं। वायरस की वजह से जो रश नहीं है, लोग डरे हुए हैं, तो ईद तो है मगर बहुत फीकी ईद है। बाज़ार बहुत सन्नाटे हैं, नमाज भी जो है वो ईदगाह में नहीं हुई, कहीं भी किसी मस्जिद में नमाज नहीं हो पाई। बस इस वजह से कि कोरोना की वजह से और जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है उसके भी मद्देनज़र देख के यही है कि लोग अपने अपने घरों में ही नमाज पढ़ी ईद की, और बाज़ारों में भी कम आ रहे हैं, और लोगों के पास पैसा भी नहीं है इस वक्त कि वो खर्चे, क्योंकि सैलरीज नहीं मिल रही हैं और भी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को इन वजह से। तो ईद आज वो मज़ा नहीं है ईद में जो हर साल होती है। तो गवर्नमेंट की पहल जो है कि घर में ईद मनाओ कोरोना वायरस की वजह से, तो आप क्या इसका समर्थन करते हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं समर्थन, तभी तो देखें आप हमारी दुकान भी बस बंद है। सर आज ईद है, हर साल काफ़ी भीड़ दिखती थी लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। इस मरतबा से बात लॉकडाउन की वजह से और पालन कर रहे हैं लॉकडाउन का, इसलिए मस्जिदों में नमाज भी नहीं हुई, सब घर में नमाज पढ़े। हम सबको ईद का मुबारकबाद देते हैं, सादगी के साथ ईद मनाया गया इस मरतबा। बस लॉकडाउन है, आदमी इस मरतबा मार्केटिंग भी नहीं किया क्योंकि लॉकडाउन है, जब पैसे नहीं कमाए तो आदमी मार्केट कहाँ करेंगे, तो इस वजह से आदमी सादगी के साथ ईद मना रहे हैं। बस हम लोग को इतनी खुशी नहीं है जो खुशी होनी चाहिए। हम सबसे यही कहते हैं सो गरीबों का ख्याल रखे, वो सदका फितरा दे, अपने गरीबों का ख्याल रखे। भारत तमाम फेथ्स, तमाम रिलीजन्स और तमाम कल्चर्स का एक खूबसूरत गहवारा है, और उसी गहवारे में भारत का जो साउदर्न पार्ट है, जो साउदर्न स्टेट्स हैं, चाहे वो बंगलोर हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, इन सब में भी ईद भरपूर तरीके से मनाई गई। भारत की इन साउदर्न स्टेट्स में भी तमाम भारत की तरह और बहुत सारे दुनिया के हिस्सों की तरह लॉकडाउन है, और उसी लॉकडाउन के सूरत हाल में लोगों ने घरों में ईद नमाज़ें पढ़ी, एक दूसरे से मिले। एक मुख्तसर सी रिपोर्ट ANI की कर्टसी के साथ मैं आप तक पहुंचाता हूं। हमारा तो वही इरादा है, लॉकडाउन फॉलो करना, वही प्रोसीजर करना, खाली ये ईद के वास्ते थोड़ा कुछ देना पड़ता है या लेना पड़ता है, घर पास पास में रिलेशन होती ना, इसलिए निकाल रहे, नहीं तो नहीं। बच्चों को तो बिल्कुल हम लोग नहीं निकाल रहे। हमें तो सोशल डिस्टेंस फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा अब भी थोड़ा समझना था उन्होंने भी। ईद है, बड़ी ईद है, रमज़ान पूरा महीना भी हमें घर में इबादत करें, मस्जिद भी नहीं थी, पर थोड़ा सब्जी के लिए तो छोड़ना था, खरीदे सब्जी के लिए तो छोड़े हैं, सब्जी तो सब बेच सकते हैं। नहीं है, मार्केट को नहीं दिए हैं। हाँ, मार्केट सारे क्लोज है, क्लोज है, वो भी थोड़ा छोड़ते हैं, बंद कर डालते हैं, आइटम भी नहीं मिल रहा तरकारी का।
पाकिस्तान में ईद मनाने का अमल हस्ब मामूल चांद को देखने के अमल के साथ जुड़ा हुआ था। पूरी दुनिया में चांद को देखा जाता है ईद के साथ, ये एक तरह से मशरूत है, मगर पाकिस्तान में ये अमल बज़ात खुद एक सेलिब्रेशन की हैसियत रखता है। वो भी हुआ और उस मौका पर वहाँ के रोयत हलाल कमेटी के इंचार्ज ने ये वाज़े किया एक रोज़ पहले ईद के कि ईद एतवार 24 मई को होगी। जहाँ किसी दर्जे में इम्कान रोयत था, वहाँ से जो शहादतें आईं उनको जज करने में काफ़ी वक्त लगा और फिर पूरी कमेटी ने इसके तमाम पहलुओं पर गौर किया और उसके बाद फैसला किया कि आज चांद नज़र आ गया है। अगरचे पाकिस्तान में भी मस्जिद के अंदर बड़े बड़े इज्तिमात करने की परमिशन नहीं थी, गवर्नमेंट का यही कहना था कि आप इज्तिमात ना करें, लेकिन कराची में ग्राउंड्स में बहुत बड़े बड़े इज्तिमात हुए। बहरहाल इस पर दुनिया को चंबा भी हुआ कि इस ग्लोबल पेंडेमिक के ज़माने में इतने बड़े बड़े इज्तिमात कैसे मुमकिन हुए, क्यों इजाज़त दी गई। एक छोटी सी झलक आप देख रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो रहा है कि कराची शहर में एक से ज़्यादा इज्तिमात हुए और दुनिया हैरान हुई कि इस पेंडेमिक के ज़माने में ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। अलबत्ता ईरान में मस्जिद के अंदर ईद नमाज़ पढ़ने की इजाज़त थी और इसी तरह का एक मंज़र आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ईरान में मस्जिद के अंदर इज्तिमात हुए, ख़वातीन ने भी ईद नमाज में शिरकत की और ईरान में कोरोना पेंडेमिक काफ़ी फैला हुआ है और दुनिया में सबसे पहले कोरोना पेंडेमिक की जो सबसे ज़्यादा शिद्दत देखी गई चाइना के बाद वो ईरान ही था। न्यूयॉर्क के एक इस्लामिक सेंटर के मौलाना सैयद फहद हुसैन ने प्रेसिडेंट ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, चूँकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि तमाम रिलीजियस सेंटर्स में जाने की, चाहे वो मॉस्क हो, चाहे सिनागॉग हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, जाने की इजाज़त होनी चाहिए और उन्होंने ऐसा एक ऑर्डिनेंस भी पेश किया कि तमाम इबादतगाहों के अंदर इबादत के लिए जाना इसेंशियल सर्विस करार दिया जाए। मौलाना फहद हुसैन ने अपनी मोहब्बतों का इजहार प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कहा और कहा कि वी लव यू प्रेसिडेंट ट्रंप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय नेम इज़ मौलाना सैयद फहद हुसैन एंड आई एम द इमाम इन मस्जिद यूसुफैन इन मैस्टिक बीच ऑन लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क। सो ऑन बिहाफ ऑफ अल मुनीर फाउंडेशन आई लाइक टू गिव थैंक्स टू आवर प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर इंक्लूडिंग मॉस्क्स एंड अदर हाउसेस ऑफ वर्शिप एज एसेंशियल प्लेसेस एंड देयर सर्विसेस टू बी एसेंशियल सर्विसेस एंड हैव ऑर्डर्ड देम टू बी ओपन इमीडिएटली। प्रेसिडेंट ट्रंप, वी रियली अप्रिशिएट दिस कोरेजियस एक्ट so that now the people of faith can go to their respective houses of worship and pray to God to end this pandemic as soon as possible. And you have definitely multiplied the joy of the Muslims in this final occasion of Ramadan and our upcoming Eid, which is on Sunday, May 24, 2020. You are definitely included in all our prayers in the concluding moments of Ramadan, in the day of Eid, all over the United States. We pray for you. We love you. God bless President Trump. God bless America. तो नाज़रीन, COVID-19 के इस लॉकडाउन, शटडाउन, एमरजेंसी स्टेट में भी ईद के मुख्तलिफ तरह के मंजरनामे मैंने आपके साथ शेयर किए और उसके साथ एक बार फिर आप सबको मैं ईद मुबारक कहता हूँ और उसके साथ साथ फिर वही शेर जिससे मैंने शुरुआत की थी जनाब ज़फ़र इकबाल का, तुझको मेरी ना मुझे तेरी खबर जाएगी, ईद अब के भी दबे पांव गुजर जाएगी। ये कैफियत अगरचे शेर में अपने एक खूबसूरत एहसास के साथ मौजूद है और वाकई ही इस शेर का भरपूर इतलाक इस COVID-19 की 2020 की ईद उल फितर पर होता है, लेकिन इसके बावजूद ईद की खबर अब इंटरनेट के ज़माने में आप तक और मुझ तक आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आज का बिला तकल्लफ तजिया देखने का और आखिर में एक बार फिर आप सबको
ईद की शुभकामनाएं।